देखिए माननीय पत्रकार, मेरा कहने का मतलब ये है कि देश हो, घर हो, परिवार हो या प्रशासन हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अनुशासन से चलेगा या अनुशासन चलेगा। देश को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के, किसी भी घर परिवार को चलाने के लिए अनुशासन जरूरी है। एक तरफ तो हमारे लोग, हम पूरे 135 करोड़ लोग झांकते हैं विदेशों की तरफ कि ब्रिटेन में कैसा है, अमेरिका में कैसा है, दुबई में कैसा है। दुबई में कहीं टॉयलेट नहीं कर सकता, दुबई में कोई गंदा नहीं कर सकता। लेकिन क्या अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी ही कहीं को जा रहे हैं, क्या उस सड़क पर किसान हो या कोई और दूसरा समुदाय हो, क्या धरना देखे बैठेगा? अगर हम कहते हैं कि कहीं भी कोई धरना नहीं होना चाहिए, आम लोग, पब्लिक यही तो कहती है कि सड़कों पर धरना नहीं होना चाहिए, वरना लोग, कोई बीमार है, वो फंस जाता है, वो मर जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आदरणीय नरेंद्र मोदी पूरे 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे पंजाब के मुख्यमंत्री है। एक स्टेट में प्रधानमंत्री का एरोप्लेन उतरा है खराब मौसम के कारण, तो वहां पे प्रोटोकॉल होना चाहिए था। वहां का गवर्नर उन्हें रिसीव करेगा, वहां का जो गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री वहां रिसीव करना था, वो अपने प्रोटोकॉल को भूल गए राजनीति के चक्कर में। जब ये तय हुआ कि रास्ते से जाएंगे, तो ये आपको भी पता है पत्रकार साहब के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री जिस रास्ते से जाते हैं वहां की सूचना किसी को नहीं होती है। वहां का चप्पा चप्पा बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री एक बड़ी बेहूदगी से एक वीडियो वायरल करवा रहे हैं अपनी, पत्रकार प्लानिंग करके अपनी गाड़ी में बैठा रखा है और कह रहे हैं, देखिए गाड़ी में पत्रकार पूछ रहे हैं, कहला भाई मेरा विरोध हो रहा है, देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, गाड़ी से उतरिए। वो बीच में पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं उनको, कहला अरे मैंने तो आपको कल लोगों को बुलाया अपने ऑफिस में, आप आइए धरना खत्म कीजिए। प्रधानमंत्री को यही तो करना था, अरे भाई आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको कुछ प्रोटोकॉल, और आपका भी प्रोटोकॉल है। दूसरी बात, ट्वीट कर रही हैं प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस, ट्वीट कर रही है कि मेरे फादर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी श्रीलंका गए, वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिलना था, तो एक जो वहां का सुरक्षा कर्मी है वो उनको बट मारता है। कहला मेरे पिताजी को बट लगी, लेकिन मेरे पिताजी ने ये नहीं कहा कि मैं जिंदा बच के आ गया। अरे भैया आप क्या चाह रहे हैं कि कहीं भी अनुशासन ना बने? यानी पहले अनुशासन नहीं था तो जैसे 35 साल पहले था ऐसे ही रहना चाहिए, कंट्री ऐसी रहेगा? परिवर्तन तो होता है, अनुशासन चाहिए, बिगर अनुशासन के सिस्टम चल नहीं सकता, देश नहीं चल सकता, कोई भी नहीं चल सकता। लेकिन कांग्रेस के नेता तो पल्ला झाड़ रहे, कुछ नहीं हुआ, केवल वोटों की सहानुभूति के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, कांग्रेस के नेता तो हमेशा से ही पल्ला झाड़ते हैं। ऐसा कौन सा जगह रहा है कि पल्ला नहीं झाड़ा? उन्होंने कौन सी जिम्मेदारी का निर्वहन करा है? 45-50 साल उन्होंने देश पर शासन करा, देश में बेरोजगार रहा। उन्होंने नारा दिया इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा देश से गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिया भैया। कहां गरीबी हटी? उन्होंने दो बच्चों का उन्होंने उस वक्त करा 25-30 साल पहले, आज तक कंट्रोल नहीं का योगी जी ने उत्तर प्रदेश में आते ही कर दिया कि तीसरा बच्चा नहीं होगा, उसको सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, कर दिया मामला। नियम बनाते रही है, इनके टाइम में कश्मीर मामला हुआ 90-92 में, उस पर इन्होंने कोई अपना एक्शन नहीं लिया, इनके टाइम में तो हुआ। बिहार में 90 के टाइम में नरसंहार हुआ, इन्होंने उस पल्ला झाड़े, लालू सिंह यादव आए तो आपको पता होगा किस तरह पिछड़ों में और अगड़ों की जातिवाद जहर घोले गए, 90 में उत्तर प्रदेश में 95 किस तरह घोले गए। तो ये तो कहीं भी अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा ही पल्ला झाड़ते हैं और दूसरों पर लांछन लगाते हैं, अपने आप इन्हें कुछ करना नहीं। और देश में अगर पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कुछ करना चाहते हो तो उनको करने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हुआ तो कुछ नहीं, बीजेपी मुद्दा बना रही है, अगर 20 मिनट फंसे रहे तो क्या दिक्कत हो गई? भैया भी मैं तो ये कहता हूँ, एक आम आदमी भी 20 मिनट नहीं फंसना चाहिए, एक आम आदमी का भी बहुत कीमती समय है, और वो तो 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, 135 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं, तो उनका तो समय बहुत कीमती है, उनका तो समय बहुत कीमती है। और सारी वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह कीले लगाई गई है, किस तरह प्रोप गंडा हुआ है, किस तरह प्री प्लान था पहले से, ये सब बातें आपके सामने है माननीय पत्रकार साहब। क्या लग रहा है जिस तरीके से साजिश सामने आई है, लेकिन कांग्रेस अब भी कह रहे हैं कोई साजिश नहीं हुई? हम तो एक ही बात कहेंगे भाई, विदेशों में तो इतना बढ़िया स्वागत हो मोदी जी का, ये अपने देश में इतना भुंडा काम करे, ना शर्म ना आनी चाहती इन्हें, यहाँ जी भी नहीं दिख कह कर ला, देश में इतने लोकप्रिय नेता चल रही है, इन्हें जरूरत क्या थी ये काम करने, भुंडे वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाह बस। हम तो एक ही बात कहे, वंत पर खास करो सरकार को से योजना, तो उनके नाम की तो दे दे पंजाब के नाम की, वे उनके नाम की तो वहाँ कहीं करोड़ की योजना थी, वह देने के नाम के जाए थे वे, के उसके नाम के अपने नाम के वहाँ रैली कर रहे पब्लिक को जुटाने के नाम की, वे तो उनके नाम की योजना के, वो शिलान जो भी वहाँ प्रोग्राम था वो करने के नाम के जा रहे थे।
अच्छा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कुछ लोग कह रहे कि बौखला गई है भाजपा, उत्तर प्रदेश से हार होने वाली है। कुछ नहीं हो रहा, इनकी हार हो रही है जी, तो ऐसा काम कर रही है, ये नहीं सोचा है, हार तो पहले ही इनका वो करवाए थे, इनका कहीं नहीं आ रहा पर बीजेपी यहाँ तो जीती धरी सारे काम बैठ जा रहे हैं, ये नहीं तो ऐसे नहीं सोचा चुनाव तो पहले ही मरवाए थे मोदी जी को, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वे तो अब तार लेकर आए जी, इतना हुआ अब करवा के बीच आदमी तो एक मिनट में मर जाओ ना, 20 मिनट रोक के वहाँ पे के मतलब है उन्हें रोकने का। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे सरकार हमारी बन रही है। वो कुछ नहीं ठोका, रह जाएगा ठोका हुआ कनुई जैसा है सही रह जाएगा, वो कहीं कुछ नहीं होना जाना उस पर। कह रहे इनकलाब होगा 22 में, बदलाव होगा, कुछ नहीं बदलाव, बदलाव तो ये योगी जी करेगा, बदलाव तो इसे पता लग जाएगा, उसका आगे चुनाव भी लड़ना भूल जाएगा, ये तो चुनाव भी लड़ना भूल जाएगा, आगे जी भी योगी जी आओगे, इतनी छाती पीट है ना सारी धरी रह जाएगी इनकी, इवका जी भी योगी जी आ जाएगी ना पता लग जाएगा सारा काम का। क्या लग रहा है योगी जी आएंगे? आए धरे वे तो आएंगे। वे तो आए धरे उनके नाम के, तो उनके ना कुछ दिक्कत वे तो फिट चल रही अपने, वे ना काम है जो है वे सारे काम बोलने लग रही, आम जनता को दिक्कत नहीं, किसान को दिक्कत नहीं, जवान को दिक्कत, किसी को कुछ दिक्कत नहीं, सब फिट चल रही है। यहाँ हार का डर है, बीजेपी मुद्दा बना रही है कि मोदी के साथ ऐसा होने वाला था, ये होने वाला था, मुद्दा जो मीडिया में आप लोगों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं वो कौन सा मुद्दा था, वो तो क्लियर दिख रही उसमें, तो उसमें उनका काफिला भी रुक रहा, सब चीज रुक रही, क्या मतलब था उन्हें रुकवाने का, वहाँ जहाँ जाना था उन्हें वहाँ सुरक्षा देते उनकी, क्या उन्हें बीच में रुकवा दिया, वो ये तो मारने की प्लानिंग थी उनके, आदमी एक मिनट में मर जाओ, इनका 20 मिनट में कुछ नहीं होता, एक मिनट में आदमी मर जा, वे तो रुके रहे 20 मिनट। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में असर होगा? पत्रकार महोदय मैं पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ, आपको जानकारी होगी, अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के मुजफ्फरनगर लोकसभा और जिला मेरठ की सरधना क्षेत्र में आए, वो आए तो वहाँ पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय देखे गए, क्यों देखे गए, क्योंकि मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी या हरियाणा यहीं से खिलाड़ी निकलते हैं वर्ल्ड लेवल के ओलंपिक लेवल के, लेकिन अगर वो आए और एक बात 1% ये मान लीजिए कि यहाँ पर सरकार योगी जी भाजपा की नहीं है और यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ का गवर्नर उन्हें सम्मानित देना, तो फिर क्या वो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय हमें मिलता? रही दूसरी बात कि योगी जी या भाजपा सरकार आ रही है, वो आएगा जिन्होंने कार्य किया है, वे क्यों आएंगे जिनके नाम टोटी चोर और टंकी चोर है, वो क्यों आएंगे जिन्होंने खनन कर दिया, वो क्यों आएंगे जिन्होंने बागपत स्टेट हाईवे जो आज नेशनल हाईवे है, जो उस वक्त स्टेट हाईवे था, उसमें उनके लोगों ने 700 करोड़ रुपए बैंक से निकलवा लिए और उनके नीचे से निकल गए, लोगों को पता नहीं चला, प्रशासनिक अधिकारियों तक नहीं पता चला। आज भारतीय जनता पार्टी में हर ठेका ऑनलाइन है, चाहे वो आबकारी हो, चाहे रेत खनन का हो, चाहे किसी और खनन का हो, क्या उन गवर्नमेंट में रेत खनन हुआ करते थे? लोग बाग क्या कह रहे हैं, कह लगो इसमें भी सेटिंग चल रही है, इसमें भी 2 नंबर बन रहे हैं। अरे भैया जो चीज खुले में है, खुले में चल रही है, वहां कुछ ना कुछ तो शर्म लिहाज होगी, जो बंद कमरों में चलती थी, जिनका सिस्टम ऑनलाइन नहीं था, जिनका मामला रेवेन्यू में नहीं जाता था, रेवेन्यू का मतलब सरकार और सरकार का मतलब पब्लिक, जो चीज सरकार में गई है उसका पैसा उसका फायदा पब्लिक को अवश्य मिलता है, और जो पब्लिक के लिए कार्य कर रहे, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे पूरी भारतीय जनता पार्टी के विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, उनकी लीडरशिप में चूंकि तू हवा पूरा उत्तर प्रदेश दोबारा से हवा में पढ़ लेके है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भाजपा दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। जिस तरीके से खालिस्तानी संगठन गारंटी ले रहा है कि रास्ता रोकने के लिए 80 लाख रुपए दिए गए थे, जो मोदी जी का रास्ता रोकेगा 80 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जो अभी मानने को तैयार नहीं है कि प्री प्लान था। भैया प्री प्लान तो किसान आंदोलन जो किसानों के नाम पर चला 1 साल, वो भी प्री प्लान था, फंडिंग हो रही थी, कनाडा से पैसा आ रहा था, बोतलें वहां पर पाई जाती थी, किस तरह वहां पर महिलाओं के रेप हुए, किस तरह किसान जो वहां पर बैठे थे उनके मर्डर हो गए, फांसी लगा ली उन्होंने, किस तरह के कारनामे आपराधिक घटनाएं घटी, ये आपके सामने खूब है, वहां भी खूब फंडिंग आता था, यहां भी फंडिंग है, कांग्रेस ये सब कार्य करा रही है और कोई नहीं करा रही, और कांग्रेस देश हित में कोई भी कार्य नहीं करा रही है। लेकिन एक बार फिर किसानों को खड़ा कर दिया गया, किसानों के नाम पर राजनीति की गई कि जो रास्ता रोका है वो किसानों ने रोका है। मैं मान्यवर एक बात रख, किसान तो एक ऐसा चोला हो गया, हम किसान है, ये भाई किसान है, ये भाई किसान है, हम लोग किसान है। पहली बात तो मैं जो किसान आंदोलन चला उस पर बता देता हूँ, ठेके पर जो जमीन जारी 20-25 साल से हम सब ठेके पर जमीन दे, ये बाबूजी भी ठेके पे दे, मेरी बड़ोत में जमीन दी वहाँ भी ठेके पर, जहाँ सिसाना में जमीन है वहाँ भी ठेके पर ही है, तो कौन सा हमारी जमीन कोई लेकर भाग रहा था? किसानों को बदनाम करने के लिए 1 साल बैठे रहे, कौन से ठल्ली किसान थे ऐसे? हम तो ठल्ली है नहीं कि एक मिनट भी हम बैठ जाए 10 दिन, हमारे भी घर में बीवी बच्चे बालक हैं, वे भी फट बुला लेंगे। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जिन्हें मोदी जी ने कहा आंदोलन जीव आंदोलनकारी,
वे लोग हैं जो आंदोलन को अपना पेशा बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं, उस आंदोलन से रुपए कमाते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ के रुपए बना लेते हैं, बड़ी संपत्तियां बना लेते हैं। तो ऐसे ही पंजाब में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रास्ता रोकने वाले लोग हैं, जो किसानों का चोला, किसानों का नाम अपने माथे पर लिखा गया, हम लोगों को बदनाम करने के लिए वहां बैठे। वे प्रोफेशनल लोग हैं, भाड़े पे किराए पे लाए हुए लोग हैं कि आओ इतने रुपए हम देंगे, बैठो। लेकिन बिल तो वापस हो गए, सवाल ये बनता है विरोध किस चीज का हो रहा है? विरोध तो नरेंद्र मोदी जी का ना पहले था ना आज है, वो तो जो कांग्रेस वाले इन्होंने 45 साल में 50 साल में जो विपक्ष ने यूरोपा कमाया, इब आप लोग देख रहे होंगे हमारे बागपत जिले में भी एक बड़ा रियल इस्टेट का कारोबारी उसके छापे लगा लग रहे के कह रहे थे ऐसे कुछ दिन पहले कि यू अखिलेश यादव का ड्राइवर था पहले, आज आपके सामने किस तरह छापे लग रहे, इनकम टैक्स के कितनी टीम बैठी कानपुर में, कहाँ लग रहे सेंट वालों के लग रहे 40 बीघे में, तो यहाँ गांव में फार्म हाउस है और हम उसे आज तक नहीं जानते, 7 साल तक जाने हैं, जब भी उसके घर के बाहर क्यों निकलते हैं उनको मका यू अखिलेश का शब्द खास है, देखो भाई कितना बड़ा चाक चौबंद है। तो ये तो रुक के पहले तो ही पड़ रहे हैं इनके, खूब लुटाई मचा रखी, अब दिक्कत के है लूट हो रही बंद, जिन लोगों की लूट बंद होगी, जिन लोगों के 2 नंबर के रुपए कम हो गए, जो लोग बाग किसी का गोली नहीं मार पा रहे, जो लोग बाग बलात्कार नहीं कर पा रहे, जो लोग बाग अपहरण नहीं कर पा रहे, उन्हें दिक्कत हो रही है नरेंद्र मोदी जी का भाजपा का विरोध कर रहे। अतीक अहमद जेल में, मुख्तार अंसारी जेल में, बागपत के जितने क्रिमिनल हुए जेल में, तो विरोध वही तो कर रहे, कहने तो जीना तो उबर कर दिया, 2 नंबर की भारी कमाई तो ठेस फंस गई, तो साधारण लोगों का नेता है। लेकिन बात बात में राहुल गांधी प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। नहीं, राहुल गांधी तो चुप बैठा कि जब कठपुतला है, जो उनका गुलाम है, वो कुदल लग रहा, कठपुतली सर्कस में जोकर दिखाने लग रहा, तो उसे क्या जरूरत है, वो तो दिखाई रहा, कल आपने उसकी गाड़ी देखी होगी, वो गाड़ी में पत्रकारों को बैठा रखा जानबूझ के, कहला भाई हायर कर लेना सब, कहला देखो मेरा विरोध कर रहे, और देखो मैं बिना कैसे टैकल करूंगा नरेंद्र मोदी जी को, ऐसी तो टैकल करना था। अरे भाई इतना टाइम है क्या टैकल करेंगे, वे तो पंजाब में कुछ देने के लिए ही आए होंगे, लेने के लिए तो आनी ले, ऐसा है पंजाब में कांग्रेस रह तो रही नहीं, इब जब तुम्हें भी पता आदमी का जब लास्ट का समय आवे तो वो पूरा हंगा दिखावे, तो यू कांग्रेस में जितना भी हंगा पंगा बच रहा, कनाडा पनाडा की फंडिंग संडिंग लगा रहे, और इनके द्वारा कुछ रह नहीं रहा, पंजाब तो भी गई, यहाँ तो पूरे देश में भगवान विकास का नारा हो रहा, 20 साल तक यहाँ सनातनियों को कोई नहीं पूछ रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, कट्टा जा रहा था, शमशान उनके कहीं नहीं बनाए थे, कब्रिस्तानों में रपे जावे थे, उनकी 4 दीवारी होया करे थी, इब ये काम होल लगे अभी ना लोगों को दिक्कत हो रही, बस और कुछ नहीं है। जो आपने कहा वही अखिलेश यादव कहते हैं कि मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान पे वोट मांगते हैं, मंदिर पे वोट मांगते हैं। भैया अखिलेश जी से पूछो कि आपके आदरणीय पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके काम गिनवा दो, रक्षा मंत्री भी रहे उनके काम गिनवा दो, और वे अपने काम गिनवा दो। बसपा गवर्नमेंट में जो फ्लाईओवर मेरठ रेलवे ब्रिज रोहटा रोड पे है, हाईवे पे है, वो ना तो अखिलेश की गवर्नमेंट में बन पाया, ना मायावती की गवर्नमेंट में, भाजपा नात्यू गैल बनवा दिया, भाजपा की गवर्नमेंट में अगर कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम छोड़ा ना तो 1 साल के अंदर पूर्ण हो गया, पूरे देश के अंदर कितने हजारों किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनवा दिया, पत्रकार महोदय आपको भी पता, मेरठ दिल्ली वाला देख लो, बागपत वाला देख लो, मेरठ में कितनी तेजी से मेट्रो आने लग रही है, सब कुछ देख लो, तो ये पब्लिक के सामने है। विपक्ष के नेता कितने कूदू जाओ, क्यों कूद रहे, रपे नहीं बन रहे सुसरों के, ताल नहीं लग रही, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है, वरना ब्लैकमेल करूं जहां थे, यही दिक्कत जयंत चौधरी को हो रही है, यही दिक्कत अखिलेश यादव को हो रही है, यही दिक्कत राहुल गांधी को हो रही है, यही बिहार में तेजस्वी यादव को दिक्कत हो रही है। काफिला रोका गया है, कहना है कि लोगों में काफी गुस्सा है, आपने भी देखा होगा जिस समय गाड़ी पुल पर रुकी रही तो क्या आप लोगों के मन में भी गुस्सा आ रहा था? गुस्सा है पत्रकार साहब, जब तो गुस्सा का डर लग रहे कि ये तो जब प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे तो आम आदमी को तो के बख्शेंगे, बात तो यहाँ है, और प्रधानमंत्री को 20 मिनट खड़ा करते तो आम आदमी की सरकार है झुक रही, तो आम आदमी को रहनी ना दे रही है वहां पंजाब में, बिहार में लालू यादव नहीं रहने दे, और अखिलेश यहाँ आ गया, यू तो दिन में भी करवा देगा मामले खड़े। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो चन्नी है वो दलित है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी को वो पच नहीं रहे कि दलित को सीएम क्यों बना दिया। भाई मेरी तो एक समझ में नहीं आता, दलित वाला कार्ड ही समझ में नहीं आता, मेरी समझ में जो आदमी पढ़ा लिखा, जो आदमी हजारों करोड़ का, जो आदमी मुख्यमंत्री, वो कैसा दलित रह गया? अरे कानून नियम तो कुछ देखो, कानून क्या कह रहा, कोर्ट क्या कह रहा, ये कहां से दलित रह गए? जब ये सक्षम है, जब ये मजबूत है, जब ये ऊपर आ गए, पढ़ लिख के मजबूत हो गए, नौकरी बन गया मुख्यमंत्री, कहां दलित रह गए? यही तो सब जिंदगी मायावती कहती रही, दलित की बेटी, दलित की बेटी, दलित की बेटी। अरे तू पंडितों को तो बैठावे नीचे, जू तुम्हारा उनका 4, तू तो पंडितों से भी खड़ी स्वर्ण होगी, जनरल कैटेगरी में आ गई। रामनाथ कोविंद जी को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया,
वे भी तो एक दलित हैं, कभी इन्होंने इनका नाम ले लिया ना, इनके बारे में धन्यवाद किया, लेकिन इतना बड़ा कृतज्ञ करने के बाद में भी एक दलित का नाम लेने के बाद में अपनी सहानुभूति बटोर रहे, ये जनता कभी माफ नहीं करने वाली। और मैं बताऊं, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बिना देखे, बिना उसके, बिना किसी भेदभाव के लोगों को सम्मान दिया है, योजनाओं का लाभ लिया है। बीजेपी के अलावा इस यूपी में कोई सरकार नहीं आने की। क्या लग रहा है, जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कोई चूक नहीं हुई है, नौटंकी की जा रही है, हारने का डर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हारने का डर तो जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है वो किस हारने की बात कर रही, कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं। जब भी राहुल विदेश जाता है कोई बड़ी अनहोनी देश में होती है, इसकी जाँच होनी चाहिए। एक तो अभी कुछ दिन पहले ही देश हादसे से गुजरा, बहुत बड़े हादसे से गुजरा, CDS विपिन रावत जी शहीद हुए। कांग्रेस जो है बहाना मार रही है, जातिवाद की बात कर रही है, विकास की बात उसके पास है नहीं। सुरक्षा में चूक नहीं है, जानबूझ के किएगा। चूक वो होती है जो अनजाने में होती है, ये तो जानबूझ के किएगा। अतिथि देव भव की परंपरा है भारत में। मुख्यमंत्री क्यों लेने नहीं आए प्रधानमंत्री को रिसीव करने, कोई मंत्री नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। कोरोना पॉजिटिव हो गए थे इसलिए नहीं गए। कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अगले दिन वो जो है नौटंकी कर रहे हैं, दो पत्रकारों को हायर करके पब्लिक के बीच जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसे हैंडल करना चाहिए था, तब कैसे हो गए वो कोरोना पॉजिटिव ठीक। ये सब जो है ना ये बड़े षड्यंत्र है। कांग्रेस की विचारधारा पहले से देश के खिलाफ रही है। लाल बहादुर शास्त्री को इन्होंने मरवा, और सोनिया गांधी ने खुद अपने पति राजीव गांधी को मरवा, संजय गांधी को कांग्रेस पार्टी ने खुद मरवा, और ये तीनों धरन नहीं पता नहीं कितने को शहीद कर दिया, राजेश पायलट को इन्होंने मरवा। जो भी विकास की बात करता है, सही बात करता है, उसे अजम नहीं होता। विपक्ष बिलबुलाया हुआ है, आमदनी बंद होगी, थानों की दलाली बंद होगी। पहले जो है आपने नोट करा होगा, 2 जिलों में बिजली जाती थी, इटावा मैनपुरी, अब यहाँ 20 घंटे बिजली आ रही। रोड पे वो आप चल के आए होगे, चिकने रोड बने हुए हैं, ये सब इन्हें बढ़िया नहीं लग रहा। इन्हें जातिवाद चाहिए, इन्हें अपनी दुकान चलती रहनी चाहिए। ये विदेश में जाते हैं, वहाँ लूट मारते हैं, ऐसे करते हैं, स्विस बैंकों में पड़े नहीं गए अरबों खरबों रुपए। उन्होंने कहा आरामदायक लगा, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है, कैसे कर लेगे उसे अच्छा फील।